सोशल मीडिया खासतौर यूट्यूब पर एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे शादी करने वाले हैं। यह अफवाह पहले छोटे पूरे यूट्यूब चैनल व्यूज के लिए उड़ाते थे, मगर अब कुछ गंभीर पत्रकार भी ऐसी बातें करने लगे हैं। जिस लड़की के साथ राहुल का नाम जोड़ा जा रहा है उसका नाम प्रणीति शिंदे है। प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार में रहे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। अभी प्रणीति शिंदे खुद भी महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद है। हालांकि अब तक इन दोनों लोगों की शादी की कोई भी खबर नहीं है। जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वो सिर्फ अफवाह मात्र है। जानते हैं आखिर कौन है प्रणीति शिंदे, जिनका नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। प्रणीति शिंदे सोलापुर लोकसभा सीट से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद हैं। वह इससे पहले सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक सफर की शुरुआत जय जुई विकास मंच सामाजिक संगठन से की थी। साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। 2014 और 2019 में भी चुनाव प्रचार जीतकर हैट्रिक लगाई। अब उन्होंने लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर अपना स्थान और ऊंचा कर लिया है। इससे पहले प्रणीति को प्रदेश कांग्रेस ने भी कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में अवसर देकर अच्छी ताकत दी थी। प्रणीति ने 2001 में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से कला में डिग्री के साथ स्नातक किया। उन्होंने साल 2004 में मुंबई यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। चुनाव आयोग में दिए हलफनामे के मुताबिक प्रणीति शिंदे के पास 6,60,70,402 रुपए की संपत्ति है। उन पर कोई देनदारी नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं दर्ज है। सोलापुर क्षेत्र में प्रणीति शिंदे के लोग जबरदस्त समर्थक हैं।